मैम पहले आप अपना नाम बता दो। अर्चना। किस ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। किस ट्रेन से जा रहे हैं? हावड़ा राजधानी से। हावड़ा ये इसकी हावड़ा स्पेशल ट्रेन से जा रहे हैं। इसके बारे में कैसे जानकारी? जानकारी पेपर में आया था। गया में कैसे? गया में मेरे ससुर की डेथ हो गई थी अभी 2 महीना पहले, उसमें आए थे, फिर चले भी गए। उस टाइम नहीं लॉकडाउन था, लेकिन फिर कोई कस्टम है हम लोगों का पूजा वूजा का, तो उसमें आए थे, तो हमारे हस्बैंड तो चले गए, हम रह गए कि चलो थोड़ा दिन रह जाते, उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो रह गए। क्या लगता है कि पहले जिस तरह राजधानी में सुविधा मिलती थी, अब राजधानी से जा रहे हैं, इस बार जो सफर कर रहे हैं उसमें भी सुविधा मिलेगी? हाँ, कभी भीड़ भाड़ कम है तो सुविधा तो मिलेगी। टिकट पहले की तरह ही पैसा उतना लगा कि ज्यादा लगा? नहीं नहीं, उससे कम ही लगा। मैं हावड़ा से आ रही हूँ। किस ट्रेन से? मैं अभी राजधानी से आ रही हूँ। इस ट्रेन के बारे में जानकारी कैसे है? इस ट्रेन के बारे में हम लोग को न्यूज में मिला था, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद फिर मैं आई। ट्रेन में क्या सुविधा थी, क्या दिक्कत? ट्रेन में अभी ब्लैंकेट ये सब तो ऑलरेडी बताया गया था कि हम लोग IRCTC में नहीं दिया जाएगा, बट और सब कुछ मतलब सैनिटाइज किया हुआ था, वेल मेंटेन था। अब कहाँ की? मैं सर बिहार की रहने वाली हूँ, औरंगाबाद बिहार। पहले के अपेक्षा अभी कैसा लगा ट्रेन में? काफी अच्छा है, साफ सुथरा है सब कुछ, मतलब वेल मेंटेन है पहले से। अच्छा, अब बिहार पहुंच के कैसा लगा? मैं 40 डेज से अकेले थी कलकत्ता में, विदाउट एनी फैमिली, एंड कलकत्ता का लैंग्वेज भी आपको पता है कि क्या है, उन लोग का बंगाली, हम लोग का हिंदी, आसपास में भी लोग मतलब हिंदी समझने वाले भी नहीं थे, तो ऐसे में आप 40 डेज आप कैसे रह सकते हो, आप भी अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पहुँच बहुत अच्छा लग रहा है। ये बैग है, ये हावड़ा नई दिल्ली 2301 गया जंक्शन पर आ रही है। ये लॉकडाउन के बाद क्या पहला ट्रेन है? हाँ, इस रूट में पैसेंजरों के लिए ये पहली गाड़ी है। सर कितने पैसेंजर आ रहे हैं? ये तो पूरी जनसंख्या सही सही नहीं बता पाएंगे, ये लिस्ट देखने के बाद पता चलेगा और इसका हिसाब। सर इस ट्रेन में क्या मेडिकल टीम भी रहेगी क्या? हाँ, यहाँ पे मेडिकल टीम है, बुलाया गया है उनको चेक करने के लिए। अच्छा, जो यात्री जा रहे हैं उनको भी स्कैनिंग किया जा रहा है क्या? जो हाँ, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, सबको किया जा रहा है, पूरे सुरक्षित तौर से आने वाले पैसेंजरों को किया गया, तभी अंदर जाने दिया गया है। जो उतरेंगे उनका भी पूरी तरह चेक करके ही बाहर दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह क्वारंटाइन के लिए उसको ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ट्रेन में क्या रास्ता में पूरी ट्रेन में मेडिकल टीम भी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ उतरेंगे वहाँ पर उनको ये सुविधा मेडिकल की मिलेगी, जहाँ पर गाड़ी रुकेगी, जहाँ पैसेंजर उतरेंगे चढ़ेंगे वहाँ पर ये सुविधा। ट्रेन में सुविधा क्या क्या मिल रही है, पहले की तरह मिल रही है? नहीं, पहले की तरह अब ट्रेन में सुविधा नहीं मिल रही है। खाना पैसेंजरों को अपने साथ ही लाना पड़ेगा, उनको कंबल और चादर नहीं दिया जाएगा, ये पहले से घोषणा हो चुकी है रेल मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह का चीज नहीं दिया जाएगा, जिससे कि कोरोना का बढ़े महामारी उसको रोकने के लिए ये व्यवस्था अभी कुछ दिनों के लिए रहेगी, ऐसी व्यवस्था।